Hello everyone, and a warm welcome to Achievers YouTube channel. Hey guys, welcome back to our channel Achievers. आज का टॉपिक है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन. ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सेंटर के एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल के. एंड बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप लोग को ये टॉपिक के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे GI टैग क्या होता है, ये टैग किस तरह से मिलते हैं, हमारी कंट्री में ये कब से स्टार्ट किया गया, GI टैग का बेनिफिट्स क्या है, एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे कुछ लेटेस्ट प्रोडक्ट जिसे 2020 में GI टैग का दर्जा दिया गया है. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. बट बिफोर बिगिन, आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है गाइज. एंड जो हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इसको शॉर्ट में GI कहा जाता है. ओके, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ज्योग्राफिकल यानी कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी को दर्शाता हुआ, इंडिकेट करता हुआ. ये एक ऑफिशियल अप्रूवल है, एक सर्टिफिकेशन है जो ये अप्रूव करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है कि कोई वस्तु पर्टिकुलर रीजन से आया है, पर्टिकुलर एरिया से आया है, उसकी कुछ स्पेशलिटी होती है बनाने की, कुछ पर्टिकुलर उसकी टेक्निक होती है, कुछ यूनिकनेस होती है, राइट. और ये अप्रूव किया जाता है GI टैग दे करके. ओके, GI टैग दिया जाता है किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या फिर नेचुरल प्रोडक्ट या किसी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को. जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, बिहार की मधुबनी पेंटिंग, वेस्ट बंगाल की रसगुल्ला जिसे GI टैग दिया गया है, चंदेरी फैब्रिक ऑफ MP, ये सब कॉमन GI प्रोडक्ट हैं जिसे दिया गया. ये आप लोगों ने सुना होगा. तो ये सभी यूनिक प्रोडक्ट हैं जिसका एक विशिष्ट पहचान यानी एक कुछ स्पेशलिटी होती है. स्पेशलिटी मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ट्रेडिशनल मेथड के द्वारा बनाया जाता है, पारंपरिक तरीके के अनुसार निर्मित किया जाता है. इसमें कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी होती है या फिर इसकी ज्योग्राफिकल ऑरिजिन के कारण एक विशेष प्रतिष्ठा है, एक विशेष रेपुटेशन है. ओके, बट ये यूनिकनेस ऐसा नहीं है कि कुछ मंथ में या फिर एक दो साल में आप हासिल कर सकते हो. इसमें कई दशक, कई साल लग जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बनारस की साड़ी काफ़ी टाइम से फेमस है, इसे GI टैग मिला हुआ है. तो ऐसा नहीं है कि ये कल को फेमस हो गया, ओके, और इसे GI टैग मिल गया. ये कई दशक से, कई सदियों से फेमस है, ये ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है. ओके, तो ये उस रीजन का स्पेशलिटी बन जाता है और इसे GI टैग मिल जाता है. ऑलराइट, अब जानते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है. ओके, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आर कवर्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अंडर द पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. GI टैग जो है वो IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार के रूप में कवर किया जाता है. किसके तहत? पेरिस कन्वेंशन के तहत, यानी पेरिस समझौता के तहत GI टैग को बौद्धिक संपदा अधिकार के रूप में कवर किया जाता है. क्यों कवर किया जाता है? हमारे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी यानी औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए GI टैग को कवर किया जाता है IPR के रूप में. ओके, पेरिस कन्वेंशन के अंडर. इंटरनेशनल लेवल पे GI टैग का सारा मैटर कंट्रोल किया जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, राइट. WTO के अंडर एक एग्रीमेंट है TRIPS, यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. ये एग्रीमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है और इस एग्रीमेंट के तहत WTO के अंडर इंटरनेशनल लेवल पे GI को गवर्न किया जाता है. ओके, ये एग्रीमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे दुनिया की लगभग हर एक मेजर कंट्री साइन कर रखे हैं और सारे मेंबर कंट्री एक दूसरे के ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को रिस्पेक्ट करते हैं और कभी कभी
दो कभी कभी यहाँ भी इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट देखने को मिलता है, और ये डिस्प्यूट जो है वो सॉर्ट आउट किया जाता है ट्रिप्स के तहत, WTO के अंडर जो एग्रीमेंट है इसके तहत ही सॉर्ट आउट किया जाता है। ओके, अब जानते हैं, बात करते हैं इंडिया के बारे में, इंडिया में GI टैग कैसे दिया जाता है। तो हमारे भारत में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्टर किया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999, यानी भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के तहत ये GI टैग जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रशासित किया जाता है। ये एक्ट जो है, ये अधिनियम लागू किया गया था इन सितंबर 2003 के सितंबर में ये लागू किया गया था। फर्स्ट प्रोडक्ट इंडिया का जिसे GI टैग दिया गया है वो है दार्जिलिंग टी। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जो है वहाँ के चाय को दिया गया था फर्स्ट GI टैग 2004 में। ओके, द टैग इज़ वैलिड फॉर अ डिकेड। ये टैग जो है वो वैलिड रहता है 10 सालों तक, 10 ईयर तक ये वैलिड रहता है। आफ्टर 10 ईयर इसको आप फिर से अगले 10 सालों के लिए रिन्यू करवा सकते हो। ओके, अब देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ GI टैग। GI टैग का क्या बेनिफिट्स है वो हम लोग जानेंगे। फर्स्ट, लीगल प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स को कानूनी संरक्षण मिलता है GI टैग द्वारा। सेकेंड है प्रिवेंशन अनऑथराइज्ड यूजेज ऑफ GI टैग प्रोडक्ट बाय अदर्स। दूसरों द्वारा अनऑथराइज्ड यूज यानी अनिषिद्ध यूज को रोकता है GI टैग। जैसे मान लो अगर आप किसी GI टैग प्रोडक्ट को किसी और रीज़न में, अनदर रीज़न में आप उसे ग्रो करके गलत तरीके से इसके ब्रांड को फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हो तो क्या होगा, इसके लिए आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक एग्जांपल दे रही हूँ, स्कॉटलैंड से जो विस्की आती है उसे क्या कहते हैं, स्कॉच। तो जो स्कॉटलैंड से जो विस्की आती है इसे ही हम स्कॉच कह सकते हैं, ना कि आप इसे मुंबई में बना करके इसे स्कॉच कह सकते हो, राइट। वैसे ही फ्रांस का एक एरिया है सैम्पेन, CHAMPAGNE, सैम्पेन, ये फ्रांस का एक एरिया है और यहाँ जो अल्कोहल बनता है उसे सैम्पेन कहा जाता है। और अगर आप इसे बेंगलुरु में बना करके सैम्पेन के नाम से बेच रहे हो तो ये इलीगल होगा, राइट, और इसके लिए आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। और ये पनिशमेंट 6 मंथ से ज़्यादा का भी हो सकता है। तो GI टैग इसी तरीके से इलीगल अनऑथराइज्ड एक्टिविटी को रोकता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट बेनिफिट इसका। कस्टमर को हेल्प करता है क्वालिटी प्रोडक्ट पाने में, यानी अगर हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं और उस पर GI टैग दिया हुआ होता है, राइट, तो हम एश्योर हो जाते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक है, ओके, ओरिजिनल है। नेक्स्ट बेनिफिट है हमारा, प्रोमोट्स द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ GI टैग गुड्स बाई एनहांसिंग देयर डिमांड इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। GI टैग अगर किसी प्रोडक्ट को मिल जाता है तो नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ जाती है, इस गुड की डिमांड बढ़ जाती है। उस रीजन जो है जहाँ से प्रोडक्ट आया है उस रीजन को वर्ल्ड मैप पे रखा जाता है, वर्ल्ड मैप पे लोग इसे जानने लगते हैं, फेम मिलता है, जिससे क्या होता है एक्सपोर्ट भी बढ़ता है और टूरिस्ट भी, और उससे क्या होगी हमारी इकोनॉमी इन्हांस होती है। ओके, तो ये था GI टैग का बेनिफिट्स। अब हम लोग देखेंगे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का लोगो। यहाँ आप लोग देख रहे हो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का लोगो है। यह लोगो अनवील किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन DIPP, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है ये डिपार्टमेंट। ओके, कोई भी GI टैग प्रोडक्ट पे आप ये लोगो को देख सकते हो। जिस तरीके से हमारा नेशनल फ्लैग है वैसे ही यहाँ आपको ट्राई कलर की लोगो देखने को मिलेगी, एंड इसका टैग लाइन है, स्लोगन जो भी बोल सकते हैं आप, स्लोगन है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इंग्लिश में बोले तो इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, राइट। ये लोगो डिज़ाइन किए हैं अड्री चटर्जी द्वारा। ओके,
अड्री चटर्जी, एंड ये जो टैग लाइन है वो दिया गया है आई थिंक आकांक्षा त्रिपाठी, यस आकांक्षा त्रिपाठी द्वारा। ओके, ये लोगो क्यों लाया गया, क्योंकि अगर कोई जीआई प्रोडक्ट के ऊपर ये लोगो और टैग लाइन जो है वो होगा तो लोगों के अंदर अवेयरनेस रहेगी, लोगों एश्योर रहेंगे कि ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक है, राइट। आइए अब बात करते हैं कुछ रिसेंटली प्रोडक्ट के बारे में जिसे 2020 में जीआई टैग दिया गया है। वैसे तो अब तक अराउंड 361 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जा चुका है, मे बी एक दो ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट इतने प्रोडक्ट को अब तक मिल चुका है जीआई टैग। ओके, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ लेटेस्ट प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग दिया गया है रिसेंटली 2020 में। करीब 8 से 9 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया, तो सारे प्रोडक्ट को हम लोग देखेंगे और 2019 के भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट प्रोडक्ट है जिसे रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है मई में, वो है सोराई खोवर पेंटिंग। ओके, ये आर्ट बेसिकली एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, एक ट्रेडिशनल आर्ट, एक मुराल आर्ट है। यहाँ आप देख सकते हो पेंटिंग में, ये एक मुराल यानी वैसा पेंटिंग जो वॉल पे किया जाता है, दीवारों पे किया जाता है पेंटिंग, जो सीलिंग पे किया जाता है घर के छतों पे, तो वैसे पेंटिंग को मुराल पेंटिंग बोलते हैं, राइट। तो ये एक मुराल पेंटिंग होता है जो कि ट्राइबल वुमेन, झारखंड की जो आदिवासी महिला है उनके द्वारा किया जाता है। ये पेंटिंग सिर्फ हजारीबाग जो डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, वहाँ किया जाता है। इसकी खास बात ये है कि ये जो पेंटिंग है हार्वेस्ट फेस्टिवल और मैरिज के टाइम पे ये बनाया जाता है। ओके, और किसके द्वारा बनाया जाता है, बेसिकली वोमेन, आदिवासी महिला के द्वारा। ओके, और दूसरा खास बात ये है कि ट्राइबल पीपल का ये मानना है, वहाँ के ट्राइबल पीपल का ये मानना है कि ये जो पेंटिंग है वो गुड लक लेकर के आता है। ओके, अच्छे दिन लेकर के आता है, अच्छे दिनों की शुरुआत होती है। और यहाँ पर आप एक और पिक्चर देख सकते हैं, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का है जो कि रांची में है। यहाँ पे देखिए बनाया गया है सोराई खोवर पेंटिंग को डिपिक्ट किया गया है। ओके, अब नेक्स्ट है तेलंगाना तेलिया रुमाल। तेलंगाना तेलिया रुमाल जो है पुटापक्का नाम का एक प्लेस है तेलंगाना में, पुटापक्का नाम का एक प्लेस है, यहाँ बनाया जाता है। मोस्टली इससे साड़ी बनाई जाती है, ऐसे तो सारे प्रोडक्ट बनाई जाती है बट मोस्टली इससे साड़ी बनते हैं। ओके, किसी ज़माने में इससे सिर्फ रुमाल बनाया जाता था, सिर्फ इससे रुमाल बनाया जाता था, इसलिए इसका नाम तेलिया रुमाल रखा गया। एंड इसकी खास बात ये है कि इसका जो बनाने का जो सारा प्रोसेस होता है वो हाथों से किया जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई मशीन यूज़ नहीं किया जाता है, ये सारा प्रोसेस हाथों से होता है और वेरी कॉम्प्लिकेटेड होता है। ओके, पारंपरिक तरीक़ों से इसे बनाया जाता है, कोई मशीन यूज़ नहीं किया जाता है। दूसरा इसका खास बात ये है कि इसमें सिर्फ 3 कलर ही यूज़ किए जाते हैं जो कि रेड वाइट एंड ब्लैक, आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में रेड वाइट एंड ब्लैक को यूज़ किया गया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कश्मीर सैफ्रोन। कश्मीर का सैफ्रोन यानी केसर को जीआई टैग दिया गया है। इसका कलर नेचुरल डीप रेड होता है और केसर से इसका कलर थोड़ा यूनिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई क्वांटिटी ऑफ क्रोसिन, क्रोसिन की मात्रा इसमें अधिक होती है इसलिए इसका कलर थोड़ा यूनिक होता है। इसमें उच्च सुगंध होती है, हाई अरोमा, एंड इस प्रोसेस्ड विदाउट एडिंग एनी केमिकल्स, बिना कोई केमिकल का यूज़ किए हुए इसे बनाया जाता है। इसका टेस्ट थोड़ा बीटर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिक्रोक्रोसिन, राइट। नेक्स्ट है इसकी खासियत। इसकी खासियत ये है कि यह दुनिया का एकमात्र केसर है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर ग्रो किया जाता है। ओके, कश्मीर सैफ्रन इज़ द ओनली सैफ्रन इन द वर्ल्ड दैट इज़ ग्रोन एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 1600 मीटर्स। ओके, और इसके ट्रेडिंग को प्रमोट करने के लिए रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, ई ऑक्शन पोर्टल। ओके, कश्मीर में ये पोर्टल लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेटिंग के द्वारा, जो ये डिपार्टमेंट जो है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर।
ओके तो ये पोर्टल को लॉन्च किया गया है इसके ट्रेडिंग को बूस्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। ओके नेक्स्ट है तमिलनाडु का तंजावुर पीथ वर्क। तमिलनाडु में एक प्लेस है तंजावुर, तंजावुर में ये क्राफ्ट किया जाता है पीत से। पीत मतलब होता है एक हाइड्रोफाइट प्लांट जिसे हम एस्केनोमेना एस्पेरा बोलते हैं, उसका जो स्टीम होता है अगर आप उसके ऊपर का जो ग्रीन लेयर है वो हटाओगे तो अंदर में जो उसका कलर होता है वो वाइट होता है, राइट। ये जो वाइट लाइट कलर का जो होता है स्टीम, इसे हम पीत बोलते हैं। तो ये बहुत ही लाइट वेट स्पॉन्ज, बहुत ही सॉफ्ट लकड़ी होती है जिस पर ये कारीगरी किया जाता है। ओके ये जो वर्क है वो तमिलनाडु के जो आर्टिसियन है उनके द्वारा किया जाता है, और ये जो वर्क है वो ट्रांसफ़र किया जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी, एक अपने आगे फॉरफादर से ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके और इसमें एक खासियत ये होती है कि क्योंकि ये पीत से बनाया जाता है तो ये स्टीम बहुत ही नाजुक होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसलिए इसको जो भी इससे बनाया जाता है डेकोरेटिव आइटम या फिर टेंपल का मॉडल बनाया जाता है, टॉयज़ बनाया जाता है, तो ये सब जो है वो ग्लास केस में रखा जाता है क्योंकि काफ़ी फ्रेजाइल होता है, काफ़ी नाजुक होता है, इसलिए इसको ग्लास में रखा जाता है। ये टूट भी सकता है नीचे गिरने पे। ओके इसकी ये खासियत होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है तमिलनाडु का अरुम्बावूर वुड कार्विंग। तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है परम्बलूर, परम्बलूर। यहाँ का एक विलेज है जिसे अरुम्बावूर बोलते हैं, वहाँ ये कार्विंग किया जाता है। ओके और यहाँ पर लकड़ी के ऊपर कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, जैसे आप देख रहे हो इस पिक्चर में भगवान गणेशा है और ये लकड़ी से बनाए गए हैं। तो ये यहाँ पे लकड़ी के ऊपर कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं बहुत सारी लकड़ी से, जैसे मैंगो हो गया, लिंगम ट्री, इंडियन एसिस ट्री, रोज़वुड एंड नीम ट्री, एंड मोस्टली रोज़वुड और मैंगो से बनाई जाती है क्योंकि ये जो इसकी जो लकड़ी होती है वो सॉफ्ट होती है। ओके और इसका जो कार्विंग है वो मोस्टली इंस्पायर्ड होता है वो टेम्पल से, यानी मंदिरों का होता है या फिर भगवान के स्टैचू होते हैं। ओके और इसमें एक ख़ास बात यह है कि ये जो पूरा कार्विंग है, ये पूरा जो कार्विंग आप देख रहे हो, ये एक सिंगल पीस ऑफ वुड से बनाया जाता है, एक सिंगल वुड ब्लॉक से बनाया जाता है पूरा कार्विंग, और एक हल्की सी भी मिस्टेक अगर हो जाए तो पूरा कार्विंग ख़राब हो जाएगी। ओके क्योंकि इसमें कोई भी अलग से, इसमें कहीं भी जॉइंट लकड़ी ज्वाइंट करके नहीं बनाया जाता है, पूरा एक ब्लॉक से बनाया जाता है। ये जो है पूरा कार्विंग वो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बनाया जाता है, कोई मशीन इसमें यूज़ नहीं होते हैं, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बनाया जाता है। ओके तो ये थी इसकी खास बात। नेक्स्ट देखते हैं कोविलापट्टी कदलाई मिठाई। ये है तमिलनाडु के, तमिलनाडु को दिया गया है। कदलाई मिठाई एक पीनट कैंडी है जिसे तमिलनाडु के साउदर्न पार्ट में बनाया जाता है। इसे ग्राउंडनट एंड जैगरी, जैगरी मतलब गुड़, ग्राउंडनट एंड गुड़ से इसे तैयार किया जाता है। और इसमें ख़ास बात यह है कि इसका जो इसमें जो पानी यूज़ करते हैं ना वो थामीरा बरानी रिवर का होता है, थामीरा बरानी रिवर का पानी इसमें इसको बनाने में यूज़ किया जाता है। लोगों का वहाँ के प्रोड्यूसर जो है, वहाँ के लोग जो है, उनका ये मानना है कि इस रिवर का पानी जो है वो टेस्ट को, इस मिठाई के टेस्ट को इन्हांस यानी बढ़ा देता है। ओके ये यूनिक बात है इस मिठाई के बारे में। और थामीरा बरानी रिवर जो है वो पश्चिमी घाट से निकलती है, वेस्टर्न घाट से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में बहती है, राइट। ये एक तमिलनाडु की बारहमासी रिवर है, यानी सालों विशाल बहती है ये। ओके नेक्स्ट है गोरखपुर का टेराकोटा, गोरखपुर टेराकोटा। गोरखपुर का टेराकोटा काफ़ी सदियों पुराना है। टेराकोटा के बारे में अगर आप देखोगे तो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, स्पेशली हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये काफ़ी लॉन्ग टाइम से चलता आ रहा है। अगर इनफैक्ट 14th सेंचुरी तक अगर आप देखोगे तो मोस्टली जो चीज़ें थी वो क्ले से देखने को मिलेगी आपको, यानी क्ले से तैयार किया जाता था। तो यहाँ गोरखपुर के अंदर जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है
जो ये कार्विंग किया जाता है वो बेसिकली वेरियस एनिमल के होते हैं या फिर टॉयज का पोर्ट्रेट बनाया जाता है। ओके और खासियत ये है, इसकी खासियत ये है कि ये जो पूरा काम जो है आप देख रहे हो क्ले से बनाया जाता है, ये जो पूरा काम है वो हाथों से किया जाता है, कोई मशीन इसमें यूज़ नहीं किया जाता है, बहुत मेहनत लगती है और इसमें नेचुरल कलर यूज किया जाता है। देख रहे हो आप यहाँ पे नेचुरल कलर यूज किया जाता है और यहाँ के जो पॉटर होते हैं वो थाउजेंड से थाउजेंड प्लस यानी थाउजेंड से ज़्यादा वेराइटी के टेराकोटा बनाते हैं। बट प्रत्येक टेराकोटा बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बेचने जाते हैं तो बेच वैसे इनकम नहीं हो पाती है, इसलिए अब इसको जीआई टैग मिल गया है तो उस वजह से पॉटर को उनके इनकम में इन्हेंस होगी, बूस्ट होगा, उनका इनकम बढ़ेगा, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा ब्लैक राइस, ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर, जीआई टैग दिया गया है। यह चावल का कलर ब्लैक होता है जैसा कि आप लोग देख रहे हो पिक्चर में, और यह अन्य चावल की वैरायटी लाइक ब्राउन राइस, वाइट राइस, इसकी तुलना में इसका जो वेट होता है वो हायर होता है। ओके और इसका जो मेनली इसका जो कलर है वो ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि इसमें एंथोसाइनिन एजेंट प्रेजेंस होता है, राइट। एंथोसाइनिन एजेंट के कारण इसका कलर मेनली ब्लैक होता है। इस चावल को मिठाई बनाने में, दलिया बनाने में यूज़ किया जाता है। ओके अब नेक्स्ट है गोवा का खोला चिली, और इसे कैनकोना चिली भी कहा जाता है। गोवा के कैनकोना के आसपास जो हिली रीजन है ना, हिली रीजन है जो पहाड़ी एरिया है, उसके स्लोप पे ये चिली उगाई जाती है। ओके तो कुछ ऐसी नज़र आती है खोला चिली, डार्क रेड कलर की होती है और इसका जो टेस्ट होता है वो पंजेंट होता है, यानी बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है, मीडियम होती है, मीडियम तीखा होता है इसका टेस्ट। और इसकी खास बात यह है कि कैनाकोना के आसपास जो पहाड़ी एरिया है ना, उस पहाड़ों के स्लोप पर ये उगाई जाती है। अगर आप उसे कहीं और किसी और रीजन में किसी और पहाड़ पे अगर उगाओगे तो माना जाता है कि वैसा टेस्ट नहीं आएगा, राइट। तो ये था 2020 के प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग दिया गया। अब हम लोग देखेंगे 2019 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग दिया गया है। ओके फर्स्ट है पलानी पंचामृतम। पलानी पंचामृतम एक प्रसाद है तमिलनाडु के पलानी टाउन के टेम्पल का, जिसे जीआई टैग दिया गया है। ये प्रसाद को पांच इंग्रेडिएंट से बनाया जाता है और ये पलानी टाउन के टेम्पल का प्रसाद है, इसलिए इसका पूरा नाम पलानी पंचामृतम है। ओके तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तालोलो पुहान। आई एम वेरी सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। तालोलो पुहान मिजोरम का एक फैब्रिक है जिसे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है मिजो पुंचाई। मिजो पुंचाई एक सॉल है, कलरफुल टेक्सटाइल से बनाया जाता है, मिजोरम का है जिसे जीआई टैग दिया गया है। तिरूर बेटल लीफ। तिरूर बेटल लीफ केरला का मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, जिसका यूज़ मेडिसिनल एंड कल्चरल यूज़ के लिए जाना जाता है। ओके तो इसे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है उड़ीसा का रसगुल्ला, जिसे जीआई टैग दिया गया है। एंड नेक्स्ट है डिंडीगुल लॉक्ड। डिंडीगुल लॉक्ड जो है वो तमिलनाडु का है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। एंड अदर तमिलनाडु का कारंगी साड़ी है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। एंड फिर से तमिलनाडु का एक और प्रोडक्ट है श्रीविल्ली पुत्तूर पालकोवा। ये एक फूड स्टफ है, यानी इसे मिठाई बोल सकते हैं, इसे जीआई टैग दिया गया है। काजी नेमू ऑफ आसाम, जिसे जीआई टैग दिया गया है। ओके तो हम लोगों ने 2019 के इम्पॉर्टेंट जीआई टैग्स के बारे में पढ़ा। 2020 के अब तक जितने भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये था आज का लेक्चर गाइज। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एचीवर्स बेब को और नए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए।